आप अगली इसलिए दिखते हो क्योंकि अपनी जेनेटिक पोटेंशियल तक अभी नहीं पहुंचे। अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को कैसे डिवेलप करना है? आपने कभी भी अपने मोहल्ले, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में देखा होगा कि ऐसे वो लोग जो बचपन में इतने अट्रैक्टिव नहीं थे और ना ही मस्कुलर थे, मगर कुछ साल बाद मैजिकली एकदम फेस पर जॉलाइन आ जाती है, स्किन पर ग्लो भी आ जाता है, बॉडी फिट दिखती है और हाइट भी लंबी दिखती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन ये होता है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो क्या आप भी जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हो? तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ लें और कुछ भी मिस ना हो। आपने समटाइम देखा होगा कि ऐसे हाई पोटेंशियल बंदे जो अपने बिग स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं, जैसे लंबी हाइट, नेचुरली एथलेटिक, स्क्वायर जॉ, ब्रॉड शोल्डर्स और डीप वॉइस, मगर हम नॉर्मल लोग जिनको अपनी जीन्स की तरफ से इतना बिग स्ट्रक्चर नहीं मिलता। यहीं पर ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, तो गौर से सुनना है। हम नॉर्मल लोग कुछ हार्ड कोर एक्टिविटीज से अपनी पोटेंशियल एंड जेनेटिक्स को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने आप को लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करते हैं तो हमारे सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाता है। तो क्या हम नॉर्मल बंदे भी अपनी सुई हुई जीन्स को जगा सकते हैं? तो यस। क्वेश्चन ये है कि हमने अपने आप को बियॉन्ड द लिमिट्स कैसे पुश करना है? जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जैसे रनिंग, तो अगर आप रोजाना 1 माइल भागते हो तो कल ये इरादा करो कि आपने 2 माइल्स भागना है। इससे ये होगा कि आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा, आपकी कंसिस्टेंसी भी स्ट्रांग होगी और माइंड कंट्रोलिंग सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। फिर ऐसे ही इन माइल्स को बढ़ाते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जीन्स सेल डबल होके आपको बियॉन्ड द लिमिट्स अट्रैक्टिव बनाएंगे और आप जल्दी थकोगे नहीं, और यही चीज हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। इसके बाद अगर आप जिम करते हो और किसी भी एक्सरसाइज के 3 सेट्स और 8 to 10 repetitions लगाते हो तो ये इतना इफेक्टिव नहीं करेंगे, ये नॉर्मल है। आपने अपनी जीन्स पोटेंशियल को ये सिग्नल देना है कि अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ता है। इसके बाद 4 to 6 sets 80 to 87% आपकी ओवरऑल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे और ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो बियॉन्ड द लिमिट्स जाने के लिए आपने 5 या 6 sets लगाने हैं जो 8 या 10 repetitions का हो। नंबर 2, ये चीज सबसे बेस्ट है जो हमारी लाइफ को चेंज करेगी कि तब ही खाओ जब भूख लगी हो। इसके बाद जब कभी आपको लगे कि आपकी बॉडी नेचुरली टायर्ड है तो सो जाओ, मगर कुछ कंडीशंस में आपको जागना पड़ता है, फॉर एग्जांपल ऑफिस, स्कूल में। जब कभी आप बोर फील करो तो अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा माइंड यूज होता है, हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे हार्मोन्स और ज्यादा ताकतवर और पावरफुल बनते हैं। इसके बाद हर गुजरे दिन को अपना सबक समझो और ये सोचो कि आपने कल क्या किया और इसका रिजल्ट क्या मिला। अपने आप की लिमिट्स मत रखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं दाल नहीं खाता, सब्जी खाता हूँ। सब खाओ मगर हेल्दी खाओ। सबसे डिस्ट्रॉइंग चीज जो हमारी जीन्स जेनेटिक्स को डिस्ट्रॉय करती है वो है स्ट्रेस। तो अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करते हो तो फौरन आपका सेलुलर लेवल फ्रेश होता है। तो स्ट्रेस से हमेशा दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी भद्दी चीज है जो हमारे माइंड, हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारी लुक्स, हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे बचें। आपने अपनी जीन्स को बियॉन्ड द लिमिट्स पुश करके अट्रैक्टिव दिखना है, चाहे वो आपका फेशियल स्ट्रक्चर हो या बॉडी। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस जिनको जान के आप भी हैरत में पड़ जाओगे। तो इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को स्किप मत करें। नंबर 3, अपनी इनर सेल्फ से टच रहना मैजिकली आपकी जीन्स को इफेक्ट करता है। कुछ सिंपल बिहेवियर्स फास्टली और डीपली आपकी बॉडी और इनर वर्किंग को डेवलप करती है, जैसे मेडिटेशन एक ऐसा वे है जो आपको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। ये सुनो कि हमारा लाइफस्टाइल डायरेक्टली हमारी बॉडी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, तो अपना लाइफस्टाइल ऐसे बनाओ जो आपकी बॉडी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करे और अपने लाइफस्टाइल को अपनी जेनेटिक एक्टिविटीज के साथ जोड़ो। इसके बाद आप में जो कोई भी इनसिक्योरिटी हो, आपने अपनी जीन्स पर फोकस करना है जो आपको वेल दिखाए। नंबर 4, ये भी सबसे बेस्ट टिप है। एक डरपोक बंदा जो छिपकली को देखकर डर जाता है, आम लोगों से बात नहीं करता, भीड़ से दूर रहता है,
बाजार नहीं जाता या किसी वजह से डरता रहता है, तो यही डर इसके माइंड और हार्ट को श्रिंक करता रहता है। इसी वजह से इसका बॉडी सिस्टम भी श्रिंक होता रहता है और यही आउटर फ्राइटनिंग के डर इसको और ज्यादा कमजोर बनाता है। तो अपनी जीन्स को डेवलप करने के लिए आपने लाइफ में हर डर पर काबू पाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो बजाय इसके कि आप ऊंचाई पर कभी ना जाओ, बल्कि ऊंचाई पर बार बार जाओ और अपने डर पर काबू पाओ। यही चीज आप में डर को फेस करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। आपने देखा होगा कि लोग अपने डर पर काबू पाकर ऐसे ऐसे काम करते हैं कि एक आम इंसान इसको करने का तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों ने अपने डर पर काबू पाकर अपनी जेनेटिक्स को प्रो लेवल तक डिवेलप किया होता है। और ये चीजें स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल से ही हासिल होता है। नंबर 5, अपने सोए हुए जीन्स पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए बेस्ट वे ये है कि आपने हर रोज कुछ नया करना है और नई चीज को बिल्ड करने की कोशिश करनी है। जैसे आपको हाइकिंग का शौक है तो आप मुश्किल से मुश्किल हाइकिंग प्लेस चूज करो। इसके बाद अगर फुटबॉल खेलते हो तो रोज फुटबॉल ट्रिक्स और फुटबॉल न्यू ट्रेनिंग सीखो। इसके बाद फूड और न्यूट्रिशन बॉडी, माइंड और स्किन के लिए बहुत खास है। अगर आप रेगुलरली हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हो तो आपकी जीन्स भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि हेल्दी न्यूट्रिशंस ऐसी जीन्स को अनलॉक करते हैं जिनका हमारी बॉडी, माइंड और स्किन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप नॉर्मल बंदे हो और अट्रैक्टिव जीन्स को अनलॉक करना चाहते हो तो अच्छा ही खाना है। थोड़ा खाओ बट अच्छा खाओ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।